ग्वालियर के सागर ताल में 2 महीने पहले किराना कारोबारी सुरेश राठौर की मिली शव मिलने से मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसी ने जांच प्रतिवेदन 2 दिन के भीतर देने का निर्देश CSP ग्वालियर को दिए हैं। आपको बता दें कि दरअसल मृतक सुरेश राठौर 22 जुलाई को घर से लापता हो गया था और 24 जुलाई को उनका शव सागर ताल में मिला। मृतक के परिजनों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर इस मामले में औड़ापुर पुलिस ने कार्रवाई न किए जाने पर अधिकारियों को एक आवेदन दिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि किशोर यादव, पप्पन यादव और राजू राठौर पैसे के लेनदेन को लेकर सुरेश राठौर को प्रताड़ित कर रहे थे। यही नहीं, मृतक को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। परिजनों ने ये बात बहुड़ापुर पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस लगातार परिजनों की बात को अनसुना कर रही थी, जिसके चलते परिजन जनसुनवाई में इस मामले को लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक राजू राठौर नाम के शख्स ने मृतक सुरेश राठौर को बेइज्जत करने के लिए समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। परिजनों ने व्हाट्सएप चैट भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसी के सामने प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने मौके पर बहुड़ापुर पुलिस के TI से भी फोन पर बात की और चौकसी ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा CSP ग्वालियर को सौंपा। साथ ही उनसे 2 दिन के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने को कहा है। हमारे प्रति सागर ताल पे मतलब पता नहीं क्या मतलब मौत हो गई थी, अब पता नहीं किसने मारे कि अपने आप, हमको जी पता नहीं। और राजू राठौर और किशोर और वो धमकी देते थे, रात दिन फोन पर देते थे, परेशान करते थे उनको, लेकिन पता नहीं उन्हें माला कैसे मौत हुई थी। मतलब बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति का गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके अगले दिन एक बॉडी आइडेंटिफाई की गई उसी व्यक्ति से, इसमें जांच का चल रही है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कुछ, जिसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ लिखा गया कुछ दिनांक पूर्व। इसमें मैंने ये कहा है कि जो CSP ग्वालियर है वह जांच करके इसका प्रतिवेदन दे और इसमें जल्द ही 2 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए।